हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज अपन खेलने वाले हैं फाइंड आउट गेम दोबारा से। तो ये अपना अगला चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ पे अपना जो कि चैप्टर जो कि स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने बहुत चीज़ें केवल कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो जो चीज़ें अपने आंखों के सामने दिख रहा है उसको अपन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में सामने की साइड में एक दारू का बोतल था, अपन उसको उस बंदे को दे देते हैं जिसके हाथ से जो पैसा वाला पोटली था उसको कलेक्ट करते हैं। और ये बास्केट के अंदर जो पानी रखा हुआ था इसके अंदर उससे अपने भाई ये फिश देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अपन चीज़ें ढूंढते हैं जो राजा के पास में एक मतलब कुछ तो अपना जो चाकू जैसा रखा हुआ था। उसके बाद में ये जो तिजोरी जैसा है इसके अंदर भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो नीचे में चटाई जैसा बिछाया हुआ है इसके नीचे से अपने को चाकू देखने को मिलता है। और ये कटोरी को अपन साइड में रख देते हैं क्योंकि बहुत देर से उधर टप टप करके पानी चू रहा था। तो जैसे ही पानी उसमें कलेक्ट होगा उसके बाद में अपन उसको भी कलेक्ट कर लेंगे। और उसी के ऊपर के साइड में यहाँ पे जो मतलब रखा हुआ है रैक जैसा उसके अंदर अपने को दो तीन सामान देखने बोलता है। तो अपन उसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अपना जो कटोरी वाला पानी था उसमें फुल हो चुका था तो अपन उसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में अपन चीज़ें ढूंढ ही रहे थे ऊपर के साइड में एक स्केलेटन जैसा बना हुआ, उसको दो तीन बार टैप करने से अपने उसके अंदर भी एक चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद में इस आग से सामने वाला पेंट को अपन जलाते हैं, उसके साथ में राजा का टोपी भी गिर जाता है और ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में। और यहाँ पर भी काफ़ी खतरनाक सा सीन बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये वाला ड्रॉअर को अपन खोलते हैं, इसके अंदर से अपने को मैगजीन देखने को मिला है। उसके बाद में अपने को ये कीड़ा तो अपन इसको फटाफट से कलेक्ट करते हैं जो जो चीज़ दिख रहा है। उसके बाद में अपन काम करेंगे आगे साइड में। तो यहाँ पे बैग के अंदर से अपने को बूम देखने को मिलता है। उसके बाद में ये फ्लेयर गन दिखता है, इसका कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में इस बंदे को अपन दे देते हैं तो ये चलाता है फ्लेयर और ड्रॉप गिर जाता है। उसके बाद में ड्रॉप के अंदर सब को देखने को मिलता है स्कोप जो कि अपन कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे उस लड़की को भी अपने को बचाना था। यहाँ पे सबसे पहले तो उस चोर को अपन डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके जेब में से ये चाबी था इस बंदर का, तो इसको अपन डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसके हाथ से जो गन है इसको भी गिरा देते हैं। और इसके साथ में अपन उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इस वाले जो बॉक्स है उसके अंदर अपन एक तलवार से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पता नहीं कौन सा केमिस्ट्री मतलब मैथमेटिक वाला सवाल है पता नहीं। उसके बाद में अपन अपना दूसरा चीज ढूंढते हैं और यहाँ पे अपने को एक तिजोरी के अंदर से ये सामान मिलता है जो कि चाकू से अपन खोले हुए थे। और उसके बाद में फिर ये ड्रॉप को हटाते हैं और इसके साथ में ये अपना जो गोल्ड है ये भी अपने को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसी के साथ में ये वाला चैप्टर अपना जो कि कम्प्लीट हो जाता है। तो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। तो सबसे पहले तो सामने की साइड में एक स्नोमैन है जो कि आधा अधूरा है। तो अपना सबसे पहले उसको बनाते हैं, ये पेड़ के अंदर से थोड़ी सी लकड़ी अपन हिलाते हैं और गिराते हैं। उसी के साथ में ये स्नोमैन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अपन उसको कलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बर्फ जैसा तो कुछ तो रोबोट था उसका हाथ टूटता था, उसको अपन बनाते हैं। उसके बाद में जो सामने की साइड में स्रॉल रखा हुआ था उसके मदद से यहाँ पे अपन थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं जो कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा खुदा खुदा दिख रहा था। इसके अंदर से अपने को तिजोरी देखने को मिला। सामने साइड में बर्फ वाला जो मतलब था उसके अंदर से अपने को एक मछली देखने को मिला, उसको अपन तोड़ता थी। उसके बाद में अपने को एक पेड़ के अंदर से एक स्टार देखने को मिला। उसके बाद में अपन सोच ही रहे थे क्या करना है। तो पेड़ के नीचे की साइड में एक दरवाजा था, अपन उसको खोलते हैं तो यहाँ पे एक गिलहरी देखने को मिलती है। तो अपन जो कि उस गिलहरी को उसका जो फेवरेट फूड है उसको दे देते हैं और इसके साथ में जो पुस्तक है उसको भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। अब अपने को केवल दो तीन चीज़ें कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बोतल में अपन पानी भर लेते हैं। उसके बाद में इस रोबोट को शायद एनर्जी की ज़रूरत थी तो अपन इसको फटाफट से एनर्जी दे देते हैं और लड़की को सजाती है और इसके साथ में बोला इमोजी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। बैग के अंदर से लॉलीपॉप मिल जाता है और सामने की साइड तो ये जो जार जैसा दिख रहा है ये तो हाई ही। तो अपन इसको दो उंगलियों से खोलते हैं गेट को और फटाफट से इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ में अपना जो ये वाला चैप्टर है इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर के तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले दो तीन चीज़ें जो अपने को दिख रहा है अपने आँखों के सामने उसको फटाफट से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपन दो चीज़ें कलेक्ट किए। उसके बाद में अपन जो कि ये जो पेंटिंग है इसका जो
पीसेस जो इधर उधर थे अपन उसको मतलब सारे सारे पीसेस को जोड़ते हैं और यहाँ पे ड्रॉर के अंदर से अपने को एक सामान देखने को मिला और इसी के साथ में जब अपना पेंटिंग वाला जो फोटो है इसको अपन पूरा का पूरा पीसेस लगा दिए और उसको फटाफट तक कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे गिलास में अपन पानी फटाफट से भर लेते हैं और इसी के साथ में ये वाला जो कि है अपना टास्क कम्प्लीट हो गया। उसके बाद में पानी के मतलब जो पौधा था उसमें अपन पानी डालते हैं तो उसके नीचे से अपने कुछ चीज़ देखने को मिला था। उसके बाद में अपन साइड में जो खिड़की है उसको खोलते हैं और अपना फूल जो खिल जाता है तो अपन उसको भी कलर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो अपना बंदर जो है इसको अपन पांचवी बार टैप करते हैं, उसी के साथ में चाबी देखने को मिलता है और यहाँ पे तिजोरी अपन खोलते हैं और यहाँ पे अपने को एक लंच बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में ये वाला चैप्टर भी अपना कम्प्लीट हो जाता है काफ़ी रफ्तार से। उसके बाद में ये अपना अगला चैप्टर यहाँ पे अपन मतलब एक बार बार के दुकान में होते हैं तो यहाँ पे अपने को चीज़ें कलर करना है। सबसे पहले तो भाई ये जो सीजर है अपन इसको कलर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सामने की साइड में ड्रॉर की साइड में अपने को ये पजल देखने को मिलता है तो अपन फटाफट से इस वाले पजल को जो कि कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ में जो बाल ग्रो करने वाले एक शैम्पू अपने को देखने को मिल जाता है तो अपन उसको भी कलर कर लेते हैं। उसके बाद में इस बार्बर का अपन थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं जो कि है सामने वाला बंदा का मतलब बाल नहीं था तो अपन उसको उसके ऊपर ये शैम्पू लगाए और थोड़ा देरी के बाद में घिस घास के उसमें बाल वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक डस्टबिन था उसमें से अपन कचरा निकाले तो यहाँ पे साफ़ करने वाला एक मशीन आ गया, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो अपन इसको फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अपने को सामने साइड में एक ड्रॉअर था इसके अंदर से एक डोल देखने को मिला तो अपन इस बच्ची को यह डोल दे देते हैं और अपना जो लॉलीपॉप है इसको भी अपन कलर कर लेते हैं। उसके बाद में अपना जो बार्बर का थोड़ा हेल्प करते हैं, उसका बाल अपन फटाफट से साइन कर देते हैं और थोड़ा बहुत स्टाइलिश बना देते हैं। बंदा खुश हो जाता है, अपने को पैसे देने लगता है। उसके बाद में मतलब उस पैसे को भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में सामने की साइड में जो फैन चल रहा है उसके अंदर अपने को एक चीज़ देखने को मिला टेलीफोन जैसा ये, तो अपन इसको फटाफट से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये वीक जो कि बार्बर का अपने को दिख ही रहा है तो अपन फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ में इस वाले वीडियो में इतना ही गाइस। अगर ये वाला गेम आपको पसंद आ रहा है देखने में तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।